Good evening everyone. Is my voice audible? Okay. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवी ऑफ जीएसटी. लास्ट टाइम हम लोग ने किया था ओवरव्यू ऑफ जीएसटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया एंड एज पर आर्टिकल 246 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लेवी करने के लिए ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. सबसे पहले हम लोग को एक बात इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा, द टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में होता है सप्लाई. अभी करंट सिनेरियो में हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ कहाँ इम्पोज होता है, मैन्युफैक्चर में, सेल्स में, सर्विस में. मैन्युफैक्चर में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है एंड इन केस ऑफ सेल हम लोग का वैट और सीएसटी एंड इन केस ऑफ सर्विस टैक्स. बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ये सारा टर्म्स रिमूव हो जाएगा. बट विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जी एस टी जो टर्म्स हम लोग पहले स्टडी किए मैन्युफैक्चर सेल सर्विस ये सारा टर्म्स रिमूव हो जाएगा एंड एक सिंगल टर्म रहेगा डैट इज जी एस टी. सिंगल टर्म रहेगा डैट इज जी एस टी. जब भी कोई टैक्सीबल पर्सन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो हम लोग का जी एस टी लगेगा. तो इस पीपीटी में हम लोग ने समझा कि टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में होता है सप्लाई एंड जब भी टैक्सेबल पर्सन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तब जीएसटी लगेगा. नाउ हम लोग पढ़ेंगे ड्यूएल जीएसटी. इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है सेल विद इन द स्टेट. दैट इज सपोज अगर हम लोग विद इन महाराष्ट्र बेच रहे हैं गुड्स को अपने सेल कर रहे हैं तब दो कॉम्पोनेंट लगता है. पहला होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नेक्स्ट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जब हम लोग इंट्रा स्टेट सेल करते हैं दो कॉम्पोनेंट लगते हैं, फर्स्ट इज सी जी एस टी एंड नेक्स्ट इज एस जी एस टी. इंट्रा स्टेट सेल मतलब सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. सपोज अगर हम लोग बेच रहे हैं वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में तो हम लोग का लगेगा आई जी एस टी. आई जी एस टी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा एंड वो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ये होता है ड्यूएल जीएसटी के केस में. नाउ बेसिकली जो हम लोग को जीएसटी सप्लायर को पे करना होता है लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में बायर को नहीं तो रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा. और वो कौन सा सर्कमस्टेंसेस होगा, इन केस ऑफ इम्पोर्ट और नोटिफाइड सप्लाई लाइबिलिटी जीएसटी पे करने का रेसिपिएंट पे होता है नहीं तो बायर पर होता है. लेकिन कभी कभी थर्ड पर्सन भी आता है, बायर सेलर के अलावा थर्ड पर्सन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर. इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम लोग का टीडीएस लगता है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ये टीडीएस जो हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स का टीडीएस नहीं है, यह जीएसटी लॉ के हिसाब से टीडीएस है. एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है TCS, उसका मतलब टैक्स कलेक्टेड एंड सोल्ड. इसका मतलब जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी चीज का पेमेंट करेगा तो उन लोगों को TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर को TCS दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स डिडक्ट करके पेमेंट देना है. नेक्स्ट नोटिफाइड ट्रांजेक्शन. जीएसटी काउंसिल क्या करता है, जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कौन से ट्रांजेक्शन में हम लोग का जीएसटी लगेगा एंड कौन सा ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है. ठीक है, तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हम लोग को पता चलता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन में विच ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड कौन सा ट्रांजेक्शन आइदर फुली एग्जेम्प्ट है या तो कोई कंडीशन की वजह से एग्जेम्प्ट है. नेक्स्ट, अब कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में ऐसा भी होता है अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन तब भी उसमें हम लोग का जीएसटी लगेगा. अब ये कौन से सर्कमस्टेंसेस में होगा ये हम लोग को बताता है शेड्यूल वन ऑफ मॉडल जीएसटी लॉ. किस 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 सर्कमस्टेंसेस में इवन अगर हम लोग कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे फिर भी हम लोग को जीएसटी लगेगा. सपोज हम लोग एक होटल में जाते हैं, होटल में नाश्ता बुक करते हैं. ठीक है, नाश्ता बुक कर लिया उसके बाद हम लोग को पेमेंट करना है. बट पेमेंट करने के वक्त ना इधर कैश है ना ही कार्ड है तो हम लोग ने क्या, हम लोग ने अपना वॉच, सपोज मेरे हाथ में गोल्ड वॉच है एंड वो वॉच मैंने होटल में
पेमेंट के तरीके से दे दिया। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर टू सप्लाई हो रहा है या वन वे सप्लाई है। होटल हम लोग को फूड दे रहा है एंड हम लोग उसको वॉच दे रहे हैं, क्या ये टू वे सप्लाई है या वन वे सप्लाई है? इन दिस केस यहाँ पर वन वे सप्लाई है बिकॉज हम लोग वॉच दे रहे हैं, बट वॉच हम लोग का बिजनेस नहीं है। इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हम लोग का वॉच का कोई काम नहीं है, वॉच हम लोग का बिजनेस नहीं है। हाँ, लेकिन जो हम लोग वॉच दे रहे हैं इन कैश के बिहाफ में या कार्ड के बिहाफ में, उसको कंसिडरेशन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे एंड वो टैक्सेबल इवेंट है। भले हम लोग वॉच दे रहे हैं कैश के बिहाफ में, यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट है एंड GST पे करना पड़ेगा। एंड ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, वॉच इज ऑल्सो अ गुड एंड ये भी GST एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो इवन अगर हम लोग टैक्स नहीं भी पेमेंट कर रहे हैं एज पर शेड्यूल वन ऑफ द GST लॉ, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन भी GST विदाउट कंसिडरेशन भी उसमें GST लगेगा। अब नेक्स्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई होता है जो GST लॉ के हिसाब से एग्जेम्प्ट है एंड जिसमें हम लोग को कोई टैक्स पे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जब टैक्सेबल कोई सप्लाई जो एग्जेम्प्ट है, क्या उसमें हम लोग टैक्स पे करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जेम्प्ट है, कोई गुड्स में टैक्स नहीं लगता है, तो उसमें हम लोग टैक्स पे करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, एज पर GST लॉ जो गुड्स एग्जेम्प्ट है उसमें हम लोग को टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ गुड्स एज वेल एज इन केस ऑफ सर्विसेज हम लोग को टैक्स नहीं पे करना है अगर, ठीक है। तो आप हम लोग अभी रिकलेक्ट करते हैं, इन लोग ने इस PPT में क्या पढ़ा। पहले लेवी ऑफ टैक्स आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, वो GST लेवी कर सकता है सप्लाई ऑफ गुड्स में भी एंड सर्विसेज में। एंड GST में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई जब होगा तब अराइज होगा, ठीक है। एंड जो भी टैक्सेबल पर्सन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसको GST पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ड्यूअल GST इंट्रा स्टेट सेल, एट इज सेल अगर विद इन द स्टेट हो रहा है तो हम लोग का CGST एंड SGST लगेगा। एंड सेल अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में हो रहा है तो एक्सेप्टेड टैक्स कॉम्पोनेंट IGST दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोर्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा लाइबिलिटी टू पे GST, बेसिकली सप्लायर को GST पे करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ इम्पोर्ट और नोटिफाइड सप्लाईज GST बायर को और रेसिपिएंट को पे करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट TDS लगेगा, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एंड इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दैट इज जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा उन लोगों को TDS एंड TCS काट के पेमेंट करना है, डिडक्ट करके पेमेंट करना है। नेक्स्ट नोटिफाइड ट्रांजेक्शन GST कौन सा हम लोग को बताएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन में GST लगेगा एंड कौन सा ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट अगर कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में इवन विदाउट कंसिडरेशन हम लोग उसको GST ट्रीट करेंगे, वो सप्लाई ट्रीट होगा एंड इसमें GST लगेगा, वो हम लोग को बोलता है शेड्यूल वन ऑफ द मॉडल GST लॉ, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल एंड वी हैव टू पे GST, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा एग्जेम्प्ट, अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्ट है तो उसमें हम लोग को टैक्स पे नहीं करना है। कोई गुड्स या सर्विसेज अगर एग्जेम्प्ट है तो हम लोग को टैक्स नहीं पे करना है गुड्स एज वेल एज सर्विसेज में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? कंपोजिशन स्कीम उसके लिए एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द फाइनेंशियल ईयर 30 लाख से कम है। एंड अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम ऑफ करें तो मिनिमम रेट ऑफ टैक्स 1% है, नहीं तो मॉडिफाइड टैक्स एज पर मॉडल GST लॉ। एंड अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करे हैं तो हम लोग टैक्स इन्वॉइस इशू भी नहीं कर सकते एंड टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते। दैट इज टैक्स इन्वॉइस किसको इशू करेंगे? हम लोग कस्टमर को टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं कर सकते एंड कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर जो कंपोजिशन स्कीम के केस में है 50 लाख होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर में कम होगा तभी हम लोग अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा? एज पर शेड्यूल टू सबसेक्शन 6 ऑफ GST एक्ट
टैक्सी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट। अभी एज पर मॉडल रिवाइज जीएसटी लॉ उन्होंने इंटरस्टेट सप्लाई को भी इसमें इंक्लूड किया है। एंड क्या क्या वो एक्सक्लूड करता है, टैक्स से हम लोग लेवी करते हैं सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट, लेकिन कंपोजिशन स्कीम का कुछ कुछ कंडीशन है, वो क्या क्या कंडीशन है। अगर हम लोग का सपोज दो बिजनेस है, एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, एक सुपर मार्केट है, दोनों डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है एंड दोनों सेम पैन से रजिस्टर्ड है। पैन मतलब इनकम टैक्स पैन में जो हम लोग का पैन नंबर इश्यू होता है वो सेम पैन से रजिस्टर्ड है, तो दोनों डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है, दोनों सेम पैन से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो हम लोग को दोनों बिजनेस वर्टिकल के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते नहीं हम लोग एक ही बिजनेस वर्टिकल के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेंगे दूसरे के लिए नहीं। इफ अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं वी हैव टू ऑप्ट फॉर ऑल बिजनेस वर्टिकल, चाहे वो रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। कंपोजिशन स्कीम में हम लोग सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हम लोग नहीं कर सकते। एंड अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम ऑफ कर रहे हैं तो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते। हम लोग को सिर्फ 1% टैक्स देना है एंड इनपुट कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इश्यू भी नहीं कर सकते एंड क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज अगर कोई कस्टमर है वो जो गुड्स टैक्सेबल पर्सन से बाय कर रहा है जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है हम लोग को सारे बिजनेस वर्टिकल के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑफ करना पड़ेगा एंड हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते एंड जो जिससे हम लोग बाय कर रहे हैं वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है तो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सपोज अगर हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख है एंड कंपोजिशन स्कीम हम लोग तभी ऑप्ट कर सकते हैं जो हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से कम है एंड हम लोग ने कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लिया, ठीक है। हम लोग इन एलिजिबल है रजिस्टर कराने के लिए एंड हम लोग कंपोजिशन स्कीम को रूल को वायलेट कर रहे हैं, मतलब ओवरराइड कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या पेनल्टी या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है अगर हम लोग उसके रूल को तोड़ रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। हम लोग को टैक्स तो पे करना ही है, इंटरेस्ट ही पे करना है एंड एडिशन पेनल्टी हम लोग को पे करना पड़ेगा इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है। हम लोग को पेनल्टी पे करना पड़ेगा टैक्स इंटरेस्ट एज वेल एज पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। तो इस स्लाइड में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, कंपोजिशन की हम लोग तभी ऑप्ट कर सकते हैं कि हम लोग का टर्नओवर 50 लाख से कम है एंड मिनिमम रेट ऑफ टैक्स 1% इवन ऑल सच नोटिफाइड टैक्स है एंड अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते एंड कस्टमर से टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते। एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में एंड एज पर सेक्शन 256 ऑफ जीएसटी एक्ट एग्रीगेट टर्नओवर में आता है टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड ये एक्सक्लूड करता है टैक्स लेवी थ्रू सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई एंड रिवर्स अंडर रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट, हम लोग कंपोजिशन स्कीम सारे बिजनेस वर्टिकल के लिए हम लोग को ऑप्ट करना पड़ेगा जो सेम पैन से रजिस्टर्ड है। हम लोग एक बिजनेस के लिए ऑप्ट करें दूसरे से ऑप्ट नहीं करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है तो हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते एंड पेनल्टी क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट तो देना ही है, अलॉन्ग विद डैट पेनल्टी जो टैक्स हम लोग पे करते उसे इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रेमिटेंस।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेमिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी. अब रेमिशन का मतलब क्या होता है, कब हम लोग को रेमिशन का एडवांटेज मिलेगा. रेमिशन का मतलब होता है छूट, माफ कर देगा. गवर्नमेंट कब हम लोग को टैक्स या ड्यूटी से माफ कर देगा, उस प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करेंगे. रेमिशन होता है माफ कर देना. मॉडल जीएसटी लॉ परमिट करता है रेमिशन ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स. जैसे रेमिशन क्या होता है, सपोज हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया कोई नेचुरल कॉजेस की वजह से, तो गवर्नमेंट हमको बोलता है कि आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है अगर वो नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ है. नेक्स्ट कंडीशन, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है. ठीक है, रेमिशन कब कब हो सकता है. सपोज हम लोग का कुछ डेफिशिएंट इन क्वालिटी है, ये भी नेचुरल कॉज है, डेफिशिएंट इन क्वांटिटी है नेचुरल कॉज की वजह से. ठीक है, रेमिशन का ये कंडीशन है कि अगर नेचुरल कॉज की वजह से होगा तो भी गवर्नमेंट आपको छूट देता है कि आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, अच्छा अगर गुड डिस्ट्रॉय हो गया बिफोर सप्लाई. ठीक है, अगर हम लोग का गुड सप्लाई से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में होता है सप्लाई. गुड्स तभी हम लोग भेजेंगे, जीएसटी तभी हम लोग पे करेंगे जब सप्लाई कंप्लीट हो गया. अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया सप्लाई से पहले तो फिर टैक्सेबल इवेंट अराइज ही नहीं करता बिकॉज सप्लाई कंप्लीट ही नहीं हुआ है. रेमिशन ऑफ टैक्स तभी अराइज होगा व्हेन टैक्स हम लोग को लॉ के हिसाब से पे करना है. एंड टैक्सेबल इवेंट कब होता है, जब हम लोग को टैक्स लॉ के हिसाब से पे करना पड़ता है. ठीक है, अगर गुड्स लॉस हो गया डिस्ट्रॉय हो गया सप्लाई के पहले तो टैक्सेबल इवेंट अराइज ही नहीं होता है बिकॉज सप्लाई कंप्लीट ही नहीं हुआ है. इन दिस केस, इस केस में रेमिशन का बात ही नहीं आता है बिकॉज अगर सप्लाई नहीं कंप्लीट हो तो रेमिशन का बात ही कहाँ से. ठीक है, तो इस लाइन में हम लोगों ने देखा रेमिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी. गवर्नमेंट कब कब हम लोग को टैक्स एंड ड्यूटी से छूट देगा, जो हम लोग का गुड लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया नेचुरल कॉज की वजह से या डिफिशियंट इन क्वांटिटी है नेचुरल कॉज की वजह से. एंड अगर सपोज गुड डिस्ट्रॉय हो सप्लाई होने से पहले तब टैक्सेबल इवेंट अराइज ही नहीं हो रहा है तो रेमिशन का पॉइंट आता ही नहीं है. तो आज हम लोग ने लेवी पूरा डिस्कस किया रेमिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट में क्वेश्चन रख देते क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. रेमिशन का सेक्शन, हाँ सर एक मिनट बता रहे हैं. और किसी को कोई डाउट है सर, ये सेक्शन 11 और मॉडल जीएसटी लॉ रेमिशन के बारे में बताता है. अजय सर, सेक्शन 11 ऑफ जीएसटी मॉडल रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ रेमिशन के बारे में डिस्कस करता है. और किसी को कोई डाउट है, नहीं तो हम लोग फिर क्लास को ओवर करते हैं. ओके, थैंक यू टू एवरीवन. सर अगर गुड्स अगर हम लोग परचेज कर लिए, सर अगर हम लोग गुड्स परचेज कर लिए और फिर गोडाउन में रखा हुआ है तब तो परचेज हो गया. हम लोग ने जब परचेज करते तो अभी जीएसटी पे कर देते हैं. एंड ये सप्लाई से पहले होता है तो हम लोग इनपुट टैक्स पे करेंगे. एंड सप्लाई से पहले तो टैक्सेबल इवेंट अराइज ही नहीं होता है बिकॉज जब सप्लाई कंप्लीट होगा तभी जीएसटी लेवी होगा. अगर हम लोग परचेज कर लिए गुड्स को एंड हम लोग के गोडाउन में है तो हम लोग जब परचेज करते हैं तो हम लोग जीएसटी पे कर चुके होते हैं. बिंदी सर आपको क्लियर हुआ. सर गुड कैसे लॉस्ट हुआ लेटर ऑन किस केस में हुआ वो डिपेंड करेगा, वो केस अजय सर वो केस टू केस में वैरी करेगा. अगर नेचुरल कॉज की वजह से हुआ है तो हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को टैक्स देने से जीएसटी पे करने से माफ कर देगा, रेमिट कर देगा, रेमिशन मिलेगा.